सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइस। गाइस तो आ गया आपका भाई से फिर से भाई इंटरव्यू से वीडियो लेकर, जो कि आज की वीडियो में सिंपली हम लोग बात करेंगे वीवो के Y31 यानी कि वीवो Y31 फ़ोन। हाँ जी गाइस, अगर आप भी यूज करते हो वीवो Y31 फ़ोन तो गाइस आप भी जान लीजिए अपने फ़ोन में जो कि स्मार्ट कॉल सेटिंग को कैसे ऑन करनी है। तो गाइस इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊँगा सिंपली वीवो Y31 फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग को कैसे ऑन करना, और गाइस इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ रहता है, तो सिंपली इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि फ्यूचर दिया हुआ है तो गाइस उसको कैसे यूज करना। तो मैं गाइस ये भी आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको गाइस फॉलो करना है। गाइस तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कर दीजिए। गाइस अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, तो गाइस इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो गाइस हम यहाँ से आपको बताएंगे वीवो Y31 फोन में जो कि स्मार्ट कॉल सेटिंग को कैसे ऑन करना है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और गाइस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइस तो हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम आपको बता दें वीवो Y31 फोन में जो कि स्मार्ट कॉल सेटिंग को कैसे ऑन करना है। गाइस हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो आपको सेटिंग के जरिए आपको सिर्फ यहाँ से फॉलो करना। गाइस हम इसमें आपको ये बताऊँगे क्या फ्यूचर है स्मार्ट कॉल सेटिंग में, कैसे उसको यूज करना है, तो इस वीडियो को चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना सेटिंग में। गाइस सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद शॉर्ट कोड एंड एक्सेलरेटिव में क्लिक करना है। गाइस इसमें आपको क्लिक करना, जैसे देखिए गाइस हम आपको एक बार दोबारा से बताते हैं शॉर्ट कोड एंड एक्सेलरेटिव। तो गाइस इसमें आपको क्लिक करना, इसमें क्लिक करते हैं। गाइस इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो कि एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट मोशन, तो गाइस ये रहा हमारे फ़ोन में स्मार्ट मोशन। तो गाइस इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए 5-6 ऑप्शन जो कि खुल के आते हैं। तो गाइस स्मार्ट कॉल, तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलता है स्मार्ट कॉल वीवो Y31 फ़ोन में। तो गाइस यहाँ देखिए इसमें क्लिक करना, इसमें क्लिक करते हैं स्मार्ट कॉल। तो गाइस सबसे पहला ऑप्शन आपको ओपन ही कर लेना है, आप ओपन कर लेंगे। गाइस यहाँ पर आपके पास बचते हैं 4 फ्यूचर जो कि स्मार्ट कॉल के हैं, इसको कैसे यूज करना, कैसे क्या करना, तो गाइस हम इसमें आपको समझाते हैं, आप यहाँ से समझिएगा और आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा जो कि स्मार्ट कॉल है। तो गाइस यहां से मैं आपको स्टेप बाई बताता हूं, तो आप यहां से फॉलो करिएगा। सबसे पहले ऑप्शन में आपको मिलता है स्मार्ट आंसर, तो गाइस ये देखिए हमारे फ़ोन में जो कि मैं इसको करता हूं स्मार्ट आंसर, पिकअप द फोन एंड होल्ड इस क्लोज टू योर ईयर टू आंसर इन इनकमिंग कॉल। तो गाइस जैसे कि देखिए सबसे पहले ऑप्शन में अगर हमारे फ़ोन में किसी का कॉल आ रहा है, तो गाइस अगर हम डिस्प्ले से इसको रिसीव करते हैं जैसे गाइस ऐसे, तो गाइस ऐसे नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक आप अपने फ़ोन को सिर्फ कान के पास लगाते हैं, तो गाइस अपने हाथ से करते हैं कान के पास, तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। तो गाइस इसी को बोलते हैं स्मार्ट आंसर। तो गाइस अगर आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा, आपको रिसीव नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले ऑप्शन में ये है, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं स्मार्ट स्विच। तो गाइस यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है पुट द फोन क्लोज टू योर ईयर टू स्विच टू स्पीकर मोड व्हेन इन हैंड फ्री मोड। जैसे गाइस आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो हैंड फ्री करके, तो गाइस अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ जा रहा है तो सिंपली आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले से ऐसे करके हैंड फ्री हटाते हो। तो गाइस ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आपको करना, सिर्फ आप अपने फ़ोन को अपने कान के पास करते तो ऑटोमेटिक ये हैंड फ्री से हट जाएगा। तो गाइस ये दूसरा फीचर भी हमारे पास काफ़ी अच्छा है, तो हम इसको भी गाइस ऑन कर लेते हैं स्मार्ट म्यूट। तो गाइस ये देखिए तीसरा ऑप्शन में हम आ जाते हैं कवर द स्क्रीन टू म्यूट द फोन विल इट्स इजी रनिंग। तो गाइस जैसे कि हमारे फ़ोन पे अगर किसी का कॉल आ रहा तो हम इसको म्यूट करना चाहते हैं गाइस, जैसे कि हम कोई काम करने उठा नहीं पाते अपने फ़ोन में, हाथ में जैसे कुछ लगा हुआ रहता है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा होगा जो कि 5 उंगलियों का फिंगर सिर्फ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर करते हैं, तो गाइस ये ऑटोमेटिक कॉल म्यूट हो जाएगा, आपको म्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस ये तीसरा ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा हमारे पास है विथ टू हैंड्स फ्री। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको देखिए मिलता है जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ आप अपने फ़ोन को हाथ घुमाते हैं, जैसे आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है तो गाइस अगर आप लेफ़्ट से राइट को हाथ घुमाते हैं तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव होकर हैंड फ्री हो जाएगा। तो देखिए व्हेन देयर इज ए रन इनकमिंग कॉल यू कैन आंसर द कॉल हैंड फ्री फ्री बाय द विंग यू प्लम एक्सेट द टॉप ऑफ द फोन 2 cm - 4 cm। तो जैसे गाइस देखिए यहाँ से आप लेफ्ट से अपने फ़ोन हाथ को राइट की तरफ घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव होकर हैंड फ्री हो जाएगा, तो ये फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो गाइस हम यहाँ से अगर करते हैं तो हैंड फ्री हो जाता तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस ये चौथा फीचर भी ऑन कर लीजिएगा। तो देन गाइस यही रहा हमारे फ़ोन में जो कि वीवो Y31 फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग का फ्यूचर। तो गाइस हम आपको बता दिए कैसे इसको आप ऑन करना है और कैसे इसको आपको यूज करना है, तो गाइस ये दोनों ऑप्शन हमें आपको बता दिए, तो गाइस आप यहां से इसको ऑन करके यूज करके बताइएगा कैसा रहा फ्यूचर देखने में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना,
और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और गाइस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइस अगर आपको कुछ पूछना, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमको फॉलो करके कमेंट इनबॉक्स करके पूछ सकते हो। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।